हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देशद्रोहियों को फांसी दो, आतंकवादियों को फांसी दो। नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया स्वागत करती हूं आपका क्राइम पेट्रोल सतर्क विमेन अगेंस्ट क्राइम के आज के एक और सच्चे एपिसोड में। आजकल बहुत आसान है किसी को एंटी नेशनल, देशद्रोही, आतंकवादी कहकर बदनाम करना। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात तो ये है कि लोग इस तरह के इल्जाम लगाते हुए खुद को देशभक्त भी समझ बैठते हैं। मानो अंतरात्मा नाम का कोई शब्द ही नहीं है उनके शब्दकोश में। लेकिन जो लोग भेड़ चाल में उनके साथ जुड़ जाते हैं, उनकी सूझबूझ का क्या? अगर आज की कहानी देख के आपकी अंतरात्मा को तकलीफ होती है, अगर आपका खून खौलता है, तो मुझे थोड़ी उम्मीद है कि हाँ, आज भी इंसानियत बाकी है। आ गई रही, पता नहीं कहां से आती है और कहां जाती है। रात को कहां से आ रही है? ऐसा क्या काम करती है? अरे, आजकल दिखाई नहीं देती हो, कहां रहती हो? वो काम से थोड़ा बाहर गए थे। हेलो। हाँ हाँ, हम समझ गए, आते हैं अभी। हाँ आते हैं। फरीदा, किसका फोन था? वो किराने वाले का था। बिरयानी का मसाला लाने बोले थे उसे। बोला आ गया है, हम बस लेकर आते हैं। ठीक है। सुनना, ये वही आदमी है ना जो इसको लेने और छोड़ने आता है? नवरा है तीसरा। अरे, पति होता तो साथ में नहीं रहता क्या? पता नहीं क्या है, शहर से बाहर जाना तो एक बहाना है। पक्का धंधा वंदा करती होगी। हम आ गए हैं, तुम हो यहाँ? ये लो, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज़। आमना, रियाज, ये देखो अम्मी तुम्हारे लिए क्या लाई है। मिठाई। तुम्हें पसंद है ना? हमें भी लड्डू खिलाइए। सर, फरीदा खातून जी। हाँ, मैं फरीदा।
यू आर अंडर अरेस्ट। अरे सर, किस जुर्म में आप गिरफ्तार कर रहे हैं सर? जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं उसमें ये प्राइम सस्पेक्ट है। हमारे पास पक्की खबर है कि फरीदा खदून टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। टेररिस्ट है ये। बिल्कुल हमारी बात सुनिए, ऐसा मत कीजिए। कोर्ट में सुनेंगे। चलो आप ऐसा नहीं कर सकते सर, ऐसा नहीं कर सकता। लोगों के बारे में सोचा जो बॉम्बलास में मारे गए, मासूम बच्चे तक मरे उसमें। बता कौन कौन इन्वॉल्व है तेरे साथ, कहां से? सच बता, बोल। जल्दी अब क्या करना सर? हम आपके हाथ जोड़ते हैं सर। सर फरीदा बेकसूर है सर, ये आप क्या कर रहे हैं सर? सर उसने कुछ नहीं किया है सर। सर हम यही के हैं सर, कहीं बाहर से नहीं आए हैं। 15 साल पहले हमारा निकाह हुआ था फरीदा से। देखिए सर, ये हमारे पास पेपर्स भी हैं, मैरिज सर्टिफिकेट, वोटर्स कार्ड, आधार कार्ड और ये पैन कार्ड सब है हमारे पास। आपको कोई गलत फहमी हुई है सर? हमें कोई गलत फहमी नहीं हुई है, इंटेलिजेंस गलत नहीं हो सकती। पर ये क्या आई कार्ड और पेपर्स दिखा रहे हो जो फरीदा ने फेक बनवाए? अगर तुम उसके पति हो भी ना तो इतना समझ लो, फरीदा बॉम्ब ब्लास्ट में इन्वॉल्व है। सर वो बेचारी तो झारखंड से बाहर किसी को जानती तक नहीं है। मंसूर तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि फरीदा का फ्लैट है जिसकी तलाशी लेने पर पता चला कि पूरा टेररिस्ट मटेरियल से भरा पड़ा है। उसके पास इतना अकल कहाँ ये सब कुछ करे सर? आप हमारी बात का यकीन कीजिए। एक बार आप कागजात तो देखिए सर। देखिए कागजात देखिए, आपको यकीन हो जाएगा कि हम सच बोल रहे हैं सर। देखिए ठीक है, इसकी जांच करेंगे, अगर असली निकले तो सोचा जाएगा। जब तक आप कागजात जांच करेंगे तब तक रिहा कर दीजिए फरीदा को। उसके पास हम आपको, तुम्हें समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं, किस केस में इन्वॉल्व है वो? देखिए हमारी बात का यकीन मानिए, हमको एक बार बड़े साहब से बात करने दीजिए, वो हमारी बात समझेगा। बड़े साहब यहाँ नहीं है, बाहर गए हुए हैं ट्रेनिंग पर, जल्दी वापस नहीं आएंगे। अब यहाँ से जाइए, हमें हमारा काम करने दीजिए। फरीदा खातून, हाय हाय, फरीदा खातून, हाय हाय, फरीदा खातून, हाय हाय, फरीदा खातून को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, प्रदेश द्रोहियों को फांसी दो, फांसी दो, फरीदा खातून को फांसी दो, फांसी दो, आतंकवादियों को फांसी दो, फांसी दो। हाँ सर, मंसूर भाई और फरीदा भाभी तो दोनों अच्छे लोग हैं, कितने साल से देख रहा हूँ, कभी किसी से झगड़ा तक नहीं किए। फरीदा बिचारी घर गृहस्थी संभालने वाली सीधी साधी औरत है, ये सब क्या तमाशा हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या बताएं क्या है, एक रात तो हम खुद उसको चुपके से दबे पांव बाहर जाते हुए देखे थे। कहाँ गई थी कुछ पता है? उस शहर के बाहर गोल मैदान है ना, उस रात को फरीदा को हमारे पति ने मैदान के पीछे जाते हुए देखा था। गोल मैदान क्यों गई थी बता, बोल। ये लो, मतलब तू गई, अभी मुझे जवाब देने के बजाय मुझसे सवाल पूछ रही। क्यों, बता देंगे तो उसको बॉम्ब से उड़ा देगी तू? इस फरीदा खातून की पूरी डिटेल्स, कॉल रिकॉर्ड्स, मोबाइल लोकेशन सब निकालो। सब फरीदा खातून की उसी ओरिजिनल आधार कार्ड की कॉपी जो सिर्फ फरीदा खातून के पास हो सकती है, मीरा रोड के उस घर में मिली जिसके बिना पे उसे बॉम्ब ब्लास्ट केस में आरोपी बनाया गया है, टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व पाया गया। आधार कार्ड की फोटोकॉपी मिलना कोई बड़ी बात नहीं है इंस्पेक्टर, और आप ये भी अच्छी तरह से जानते हैं कि इंटरनेट का कितना मिसयूज हो रहा है आजकल। ये जरूर हो सकता है कि किसी ने फरीदा का आधार कार्ड चुराया। आपके पास ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है जिससे आप ये साबित कर सके कि फरीदा कैसे और कब गई, क्या किसी ने उसको देखा वहाँ पर? बट मेरे क्लाइंट के पास मजबूत सबूत है जिससे साबित हो जाएगा कि वो बेगुनाह है। आज शाम तक आपको बेल के पेपर्स मिल जाएंगे। ये देशद्रोही खाते यहाँ का है लेकिन गाते कहीं और का है, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा, हम इन्हें इनकी सही जगह पर पहुंचा के लाएंगे। अब हम इन्हें अपनी मातृभूमि में और आतंक नहीं मचाने देंगे। क्यों भाइयों? फरीदा खातून, हाय हाय, फरीदा खातून, हाय हाय, फरीदा खातून, हाय हाय, मार गए, मार गए, मार गए। अबे देख, देशद्रोही की बच्ची पढ़ लिख कर कलेक्टर बनेगी, बना दे इसको अभी के अभी यार कलेक्टर, तभी तो इसकी अम्मा को पता चलेगा कि देशद्रोही गद्दारों के साथ क्या कर सकते हैं। सर फरीदा की कॉल रिकॉर्ड्स में उसके पति मंसूर और बेटे रियाज के अलावा और कुछ नंबर मिले हैं जिन पे अक्सर बात होती है। सर और एक नंबर मिला है जिन पे 15 दिन में एक आध बार बात होती है और वो भी मंसूर के नाम पर है। मंसूर का दूसरा नंबर शायद? सर फरीदा की बेटी आमना के पास कोई मोबाइल फोन नहीं है ना? Yeah
कौन हो आप लोग? हमें जाने दो ना। करता देखो, ये आतंकवादी हमको अटका रही है। अभी बताते हैं तुमको। हम पर आदत टटी है, तेरे जैसे हर देशद्रोही का हाथ तोड़ने का हिम्मत रखते हैं हम। ए जो देख क्या रहे हो? हाथ तोड़ को। ऐसे गद्दारी करेगी? मुझे लापा मारती है तो? और घर में तेरे? अभी घर में उतारता तेरे। कोई बच्चा? तुम लोग निकलो रे यहाँ से। क्या देख रहे हो? सर, फरीदा के मोबाइल लोकेशन से ज्यादा कुछ हाथ नहीं लगा है, क्योंकि उसका लोकेशन अक्सर उसके घर का या उसके आसपास के एरिया का था। शायद एक आध बार शहर के बाहर गई, लेकिन वो भी गोल मैदान जैसी जगह पर। और ऐसी जगह जाना कोई अजीब बात है नहीं, क्योंकि मार्केट, स्कूल सब वही है। हो सकता है फरीदा ने जानबूझकर ऐसी जगह सिलेक्ट की हो जिसपे कोई शक ना करे। हो सकता है ये सब कुछ उसके ट्रेनिंग का हिस्सा हो। कुछ नहीं हो बेटा, कुछ 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 नहीं। ना ना बेटा, रो रो मत। नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। फरीदा, ये फरीदा, ये कैसे कैसे हो गया? हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। फरीदा खातून बाहर निकलो, उधर देख, उधर देख, तुम उधर देखो, जाओ, जाओ से, जाओ जाओ से, हाँ, गद्दारों को बाहर निकालो, बाहर निकलो गद्दारों, जैसे ही जो मासूम जनता खून भाई है, वैसे ही इनका खून बहाना होगा, भाइयों, तभी इन्हें सबक मिलेगा, बाहर निकालो गद्दारों को, चलो। फरीदा, दरवाजा खोलो फरीदा, क्या कर रही हो फरीदा? दरवाजा खोलो अम्मी, दरवाजा खोलो अम्मी। फरीदा, फरीदा दरवाजा खोलो। कैसी है फरीदा की? ये तो अच्छा हुआ कि आप उन्हें टाइम पर यहाँ ले आए। फरीदा को घर कब ले जा सकते हैं? कम से कम 2-3 दिन लगेंगे, एक बार रिकवर हो जाए फिर आप इन्हें ले जा सकते हैं। फरीदा खत्म कैसे? खुदा के वास्ते आप हमदर्दी दिखाना बंद कीजिए सब। आप ही लोगों के झूठे इल्जाम की वजह से हमारा परिवार इस हाल में। आपको तो ये देख के तकलीफ हो रही होगी कि फरीदा बच कैसे गई, है ना? मंसूर जी, हमारी आपसे कोई निजी दुश्मनी नहीं है, हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, पर आपकी हिफाजत भी हमारा काम है। इसलिए आज के बाद से 2 कांस्टेबल हमेशा आपके घर के बाहर रहेंगे, ताकि आज जो हुआ है वापस ना हो। वाह साहब वाह, पहले वो भूखे भेड़ियों के सामने हमें फेंक दिया और अब बचाने का नाटक कर रहे हैं। नहीं चाहिए सर, हमें आपकी कोई हमदर्दी नहीं चाहिए। हमारा अल्लाह हमारे साथ है, वो सब देख रहे हैं और सबको देख रहे हैं साहब, वो इंसाफ करेगा। समझ गए आप? आरोपी फरीदा खातून को आज डिस्चार्ज कर दिया गया है हॉस्पिटल से। चलिए हम आपको लेके चलते हैं उस हॉस्पिटल पर जहां से फरीदा खातून डिस्चार्ज हो रही है। ये गद्दार आतंकवादी सेलिब्रिटी बन गई है, नाटक तो देखो इसका। अब थोड़ा सा काम नहीं चलेगा, ऐसा सबक सिखाना पड़ेगा कि कभी भूल ना सके। फरीदा, तुम अभी अभी अस्पताल से आई हो, क्यों दरवाजा खोलियो? आराम करो ना। कोई बात नहीं। अरे यार बेटा, क्या ये सब इनकी वजह से हुआ है? वो लोग मुझे मार देते पर मैं कैसे कैसे करके भाग आया। पर आप घबराओ मत अम्मी, आपकी ये मुरादी पूरी हो जाएगी। वेलकम बैक अम्मी, आपके साथ साथ तबाही भी आ गई। नहीं 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 बेटा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलते बेटा, ऐसा नहीं बोल। नहीं नहीं, हमें आज रात ही मिलना होगा।
जैसे हालात हैं, कल का कोई भरोसा नहीं। सर, सर हमारी बीवी फरीदा और हमारी बेटी अमना सुबह से गायब है सर। पूरा घर ढूंढा पर वो लोग कहीं नहीं मिले सर। हम आपके हाथ जोड़ते हैं सर, उनको ढूंढ लीजिए सर प्लीज। आपने उन दोनों को आखिरी बार कब देखा? सर जब हम सोने गए थे कमरे में तब देखा था। जब सुबह आँख खुली तो फरीदा रूम में नहीं थी सर, और हमको लगा कि घर के कामकाज में लगी होगी। फिर पूरा घर ढूंढा तो पता चला कि फरीदा ही नहीं, बेटी भी गायब है सर। हमने अपने फरीदा का फोन चेक किया, अपने साथ ले गई है या घर पे रखा है? लगता है ले गई होगी, क्योंकि घर में हमें फोन नहीं मिला और हमने फोन लगाया भी, फोन बंद आ रहा है सर। सिंह, इनकी कंप्लेंट इमीडिएटली लिखवा लो, आप इनके साथ जाइए। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि बेइज्जती और बदनामी की वजह से वो घर छोड़ के चली गई हो, या फिर उसने आत्महत्या कर ली हो? क्योंकि इसके पहले भी उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी। अगर उसने आत्महत्या की है तो उसकी बॉडी कहीं ना कहीं तो मिलेगी, लेकिन अगर बॉडी नहीं मिली तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि फरीदा सच में टेररिस्ट और वो फरार हो। लेकिन सर अगर फरीदा सच में टेररिस्ट है और फरार हुई है तो वो अपनी बच्ची आमना को लेकर क्यों जाएगी? फरीदा के फ़ोन के पिछले एक महीने के कॉल रिकॉर्ड से मोबाइल लोकेशन निकल, हो सकता है उससे कुछ हेल्प हो जाए। सर तो फरीदा और आमना को किसी ने देखा है और ना ही दोनों के डिस्क्रिप्शन जैसे डेड बॉडी किसी को मिली है। फरीदा रातों रात गायब कहाँ हो सकती है? कहीं फरीदा ने बॉर्डर तो पार नहीं कर लिया? फरीदा जा कहाँ सकती है? वेलकम बैक सर। ट्रेनिंग कैसी रही? ट्रेनिंग के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले फरीदा खातून का क्या केस है वो बताओ। सर जिस दिन से फरीदा और आमना गायब हुए हैं उस दिन से हम फरीदा का फोन ट्रैक कर रहे हैं, सभी जगह तलाशी मिली लेकिन कोई लीड नहीं मिली। सर फरीदा के मोबाइल लोकेशन के अकॉर्डिंग उसकी लास्ट लोकेशन शहर के बाहर ओल्ड माइंस की दिख रही है। यहाँ से क्या लीड मिलेगी? कैसे? हेलो कहाँ पर? ठीक है हम आते हैं। सर यहाँ से कुछ ही दूरी पे एक बच्ची की डेड बॉडी मिली। आमना? सर ये तो आमना है। लगता है चाकू से मारा गया। सिंह आसपास मर्डर वेपन चेक करो। सर तुम्हें क्या लगता है ये आमना को कौन मार सकता है? फरीदा? सर मुमकिन तो है, ये हो सकता है कि फरीदा भागने की कोशिश कर रही थी, आमना ने उसे देख लिया, उसका पीछा किया, शायद उसके साथ जाने की जिद भी की, फरीदा उसे साथ में ले नहीं जा सकती थी इसलिए मार दी। तुम्हारा मतलब है कि बेटी माँ पे बोझ बन सकती थी इसलिए मार दिया? और मान लो फरीदा ने नहीं मारा तो फिर ऐसा कौन है जिसने से मारा हो और क्यों? सर आसपास का पूरा एरिया चेक किया पर मर्डर वेपन नहीं मिला। सर देखने में तो रेप या सेक्सुअल असॉल्ट जैसे कुछ लग नहीं रहा, लेकिन पेट में चाकू से कई वार किए गए, शायद उसकी वजह से उसकी मौत हुई। बाकी पूरी बॉडी पर कोई निशान नहीं। सर आमना के हाथों के नाखून में स्किन जमा हुआ है। इसका मतलब आमना ने खुद को बचाने के लिए कातिल पे अटैक किया होगा और उसी कोशिश में उसके हाथ के नाखूनों में उसकी स्किन फंस गई। काम करो, ये जो आमना के नाखूनों में स्किन है इसे डीएनए टेस्ट के लिए भेजो और इसकी फैमिली को बुलाओ, आइडेंटिफाई कराओ और पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सब आमना मार दिए हमारी बच्ची को, फरीदा को भी मार दिए होंगे ये लोग, नकली देशभक्त बने फिरते हैं, दूसरों की बहन बेटी की इज्जत उछाला, को जान से मार देना अपना हक मानते हैं, झूठी देशभक्त के नाम पर मासूम लोग पर जुल्म करते मार दिए बच्ची को। साहब
ये सूर्य कुमार उसका आदमी लोग सब हमारी बच्ची हमना परिधा रियाज हम सबको सरेआम बजियत किया सिर्फ इस भक्ति के नाम पे। ये जो कुछ भी बोल रहा है सच बोल रहा है? ये सब कुछ हुआ है इसकी फैमिली के साथ, वो भी देशभक्ति के नाम पर? जी सर, एक्चुअली सूर्य कुमार नाम के एक लोकल आदमी और उसके लोगों ने इसकी पूरी फैमिली को बहुत तकलीफ दी है। अरे कौन है सूर्य कुमार और तुमने उसके अगेंस्ट कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? इस सूर्य कुमार को उठाओ, आज ही इसका सूर्यास्त करते हैं। देखिए, हम अपना पर्सनल स्वार्थ के लिए कुछ नहीं किए, हम जो भी किए देश के लिए किए। अपनी गिरी हुई हरकतों और सड़ी हुई सोच को देशभक्ति के नाम पे मत छुपा। कानून हाथ में लेता है अपने, है कौन तू? कौन है? हे दरोगा, देखो हम बोल दे रहे हैं, हम पर हाथ मत उठाना वरना। उठाया हाथ, अभी लात भी चलेंगी और डंडे भी। क्या करेगा तू? क्या करेगा? क्यों मुंह काला करेगा उस बच्ची की तरह? रियाज की तरह सर फोड़ेगा? फरीदा की तरह बेइज्जत करेगा? क्या करेगा? बोल। आमना को क्यों मारा था? बोल। देखिए, विश्वास कीजिए हमारा, हम बाकी सब जो बोले माने वो सब सही है, लेकिन हम किसी का मर्डर नहीं किए हैं। नहीं मारा तुमने शर्मा? इसकी सारी डिटेल्स मुझे चाहिए, इसके कॉल रिकॉर्ड्स, की मोबाइल लोकेशंस, छोटी से छोटी हर चीज। पहले ही केस में इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं और बढ़ती जा रही हैं, समझ में नहीं आ रहा है। इसे सॉल्व करने के लिए इसे शुरू से देखते हैं। बम ब्लास्ट में फरीदा खातून इन्वॉल्व थी, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? मुंबई पुलिस के बोरीवली मेन ब्रांच से। इसका मतलब मुंबई चलना पड़ेगा, शायद वहीं से पता चले ये फरीदा कहाँ है। बॉम्ब ब्लास्ट 10 तारीख को शाम को 4 बजे हुआ। उसी रात एक गुमनाम आदमी ने हमारे कंट्रोल रूम को फोन करके ये बताया कि मीरा रोड के गणेश नगर में एक औरत रहती है जो इस बॉम्ब ब्लास्ट में इन्वॉल्व है। हम फौरन वहां पहुंचे, देखा तो दरवाजा बंद था। दरवाजा तोड़कर जब हम अंदर पहुंचे तो देखा फरीदा खातून हजारीबाग झारखंड। आओ साहेब, आम्हाला तिच्याबद्दल काहीच नाही माहिती। हाँ, आते जाते देखते थे उसको, आधी आधी रात को आती थी, एक आदमी आता था उसको छोड़ने के लिए, उसका क्या वास्ता था उससे वो नहीं पता हम लोग को। उस लड़के की शक्ल याद है? वो क्या है ना, कभी टोपी चश्मा हेलमेट लगाता था ना, तो कभी उसका चेहरा नहीं देखा। वो औरत है ना, यहाँ भाड़े पे रहती थी और किसी से वास्ता नहीं रखती थी। जी हाँ सर, फरीदा खातून मेरे ही घर में रेंट पर रहती थी, वैसे कभी मैंने उसका चेहरा देखा नहीं क्योंकि उसका चेहरा हमेशा ढका हुआ रहता था। उसके साथ जो रेंट का एग्रीमेंट किया था उसका रजिस्ट्रेशन करवाया था आपने? जी हाँ सर, मैं चालू काम तो कभी करता ही नहीं। यह उस औरत की रेंटल एग्रीमेंट की कॉपी है जिसमें उसका चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा है। इन्हीं सब इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हमने फरीदा खातून के नाम पर अलर्ट जारी करवाया जिसे आप लोगों ने भी कंफर्म किया। हमें लगता है कि बॉम्ब ब्लास्ट करने के बाद वो तुरंत झारखंड भाग गई। देखिए सर, हम ये नहीं कहते कि आपकी इन्वेस्टिगेशन गलत है, लेकिन इससे सिर्फ इतना प्रूव होता है कि जिस औरत ने घर रेंट पे लिया था वो फरीदा खातून थी, लेकिन हमारी इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई है कि फरीदा कभी झारखंड के बाहर गई ही नहीं और फिलहाल गायब। गायब? कहाँ गई वो? आईडीज मैडम, आईडीज, आईडीज। मैडम आईडीज, आपके आईडीज दिखाइए। फरीदा खातून, यू आर अंडर अरेस्ट। मुंबई में तो कुछ नहीं मिला, अब फरीदा को यही तलाश करना पड़ेगा। जी सर, पर सर आमना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चला है आमना की मौत 14 अक्टूबर की रात 12:30 से 3 बजे के बीच एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से हुई।
और सर ब्लीडिंग की वजह वो मल्टीपल स्टैबिंग के वुंड्स ही है। जिस रात फरीदा और आमना गायब हुई उसी रात आमना का मर्डर हो गया। ये आमना के नाखूनों में फंसी जो स्किन थी उसकी डीएनए रिपोर्ट आई? सर अब तक नहीं, लेकिन जल्दी आ जाएगी। ये आमना की तो डेड बॉडी मिल गई, लेकिन फरीदा कहाँ है ये नहीं मिल रही है। सर फरीदा पकड़ी गई है, टीवी पर लाइव दिखा रहे हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है फरीदा खातून, जिसे बॉम्ब ब्लास्ट में मास्टरमाइंड कहा जाता है। हमारे जाबाज पुलिस वाले और फौजियों ने उन्हें इंडियन बॉर्डर क्रॉस करने से पहले ही अरेस्ट कर लिया। हेलो, हाँ ठीक है, ले आइए। फरीदा खातून को यहाँ ला रहे हैं। याद दिला दे कि वही फरीदा खातून है जिसका हाथ ब्लास्ट में था। इसने कई मासूम लोगों की जान ली है। ये देशद्रोही है, आतंकवादी है, एक गद्दार औरत है जो भारत छोड़कर नेपाल जाने की फिराक में थी, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। तुम कौन हो? तुम तो फरीदा खातून नहीं हो। सर यही बात तो मैं कब से इन लोगों को बताने की कोशिश कर रही हूँ, पर कोई मेरी बात सुन ही नहीं रहा है। सर मेरा नाम रेशमा थापा है और मैं नेपाल की सिटीजन हूँ। मीरा रोड मुंबई से मैं अपनी कंट्री नेपाल वापस जा रही थी जब उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया। एक मिनट, तुम वही लड़की हो ना जो मुंबई के मीरा रोड में गणेश नगर में रेंट पर रहती थी? जी सर। लेकिन जब तुम्हारे पास खुद की आइडेंटिटी है तो फिर तुमने फरीदा खातून के नाम पर वहाँ घर रेंट पर क्यों लिया? सर 6 साल पहले मैं नेपाल से मुंबई आई थी यही सोचकर कि फिल्म इंडस्ट्री की नई सुपरस्टार बनूंगी। फिर सर मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चोरी हो गए और बिना अपने डॉक्यूमेंट्स के किसी दूसरे देश में रहना मुश्किल था, पर मैं बिना कुछ बने बिना कुछ किए वापस नहीं जाना चाहती थी। इसीलिए मैं अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की रिपोर्ट लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन गई, जहाँ मैं मिलिंद धोत्रे से मिली। सर उसने मुझे मिलने के लिए होटल में बुलाया। रेशमा तुम टेंशन क्यों ले रही हो? मैंने कहा ना बी कंफर्टेबल। और सर ये पहली बार था जब उसने मुझे मदद करने के बहाने से बुलाया और मेरी ड्रिंक में कुछ मिला के मुझे बेहोश कर दिया और मेरी बेहोशी का फायदा उठा के रेप किया और सर उसकी वीडियो बनाई और बाद में मुझे ब्लैकमेल करता रहा और फिर ये सिलसिला चलता रहा। उसका जब मन करता जहां मन करता वो मुझे बुलाता था। सर उसी ने मुझे फरीदा खातून नाम की एक लेडी का आधार कार्ड दिया, उस पर फोटो मेरी लगी थी सर। उसी आधार कार्ड के बेस पे वो मुझे रेंट पे घर दिलाया करता था। सर मुझे अपनी असली आइडेंटिटी छुपानी पड़ती थी, इसीलिए मैं हमेशा किसी से बातचीत नहीं करती थी। फिर सर 2 महीने पहले मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। सर मैंने बहुत कोशिश की उसे मनाने की मुझसे शादी कर ले और सर मैंने उसे धमकाया भी कि अगर वो मुझसे शादी नहीं करेगा तो ये मैं साबित कर दूंगी कि ये बच्चा उसी का है। फिर सर मैंने सोचा कि वो तो खुद एक पुलिस वाला है जो मेरी नकली आइडेंटिटी बना सकता है, तो वो कुछ भी कर सकता है। इसीलिए मैंने डिसाइड किया। 5 तारीख को सुबह 6:30 बजे मैं घर से निकल गई। सर हाईवे से मैंने पहली बस ली जो नासिक जा रही थी, फिर वहाँ से दूसरी, फिर तीसरी। सर इन सब में मेरे सारे पैसे खर्च हो गए। फिर मैंने अपनी ज्वेलरी बेच दी तो सर मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं नेपाल चली जाऊंगी। कम से कम वहाँ मेरी फैमिली तो है जो मुझे और मेरे बच्चे को देख सकती है। सर मैं वहीं जा रही थी जब उन लोगों ने मुझसे आईडी प्रूफ मांगा, तो सर मैंने फरीदा खातून का आधार कार्ड दिखा दिया और सर उन लोगों ने मुझे डेरे समझ के पकड़ लिया। तुम्हें पता है जिस दिन तुम मुंबई से भागी थी यानी कि 5 अक्टूबर को, उसी दिन बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था? नहीं सर, मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता। अभी जो कुछ भी तुमने बताया है अगर वो सच है तो मिलिंद धोत्रे अब तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। सर आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिली है, मैंने कुछ नहीं किया है। एक डीएनए रिपोर्ट ये साबित कर देगी कि रेशमा के पेट में जो बच्चा है ना वो तेरा है, और फिर तेरी सारी कहानी खत्म। बता सच्चाई क्या है? सनी मानो और सर वो रेशमा सही बोल रही है, मैंने नशे की दवाई उसको शराब में मिला के पिलाई थी और उसके साथ वो, सर मैंने उसको फरीदा खातून के नाम से अलग अलग जगह पे भी रखा था। सब कुछ ठीक चल रहा था सर, फिर वो शादी की रट लगाने लगी। अभी मैं अपने बीवी बच्चों को कैसे छोड़ सकता हूँ सर?
कितना वफादार है तू, आगे बोल। वो 5 तारीख को जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था ना, तो मुझे आइडिया आया कि मैं रेशमा को उसमें फंसा दूंगा। इसके लिए उसके घर में गया और टेरर सेल एक्टिविटी में जो पैम्पलेट्स हम लोग को मिले थे वो मैंने उसके घर में फैला दिया। सर मेरे को मालूम नहीं था कि वो सुबह ही जा चुकी है, मुझे लगा बेडरूम में सो रही है। उसके बाद मैंने पुलिस को गुमनाम कॉल किया, मुझे लगा सर कि वो एक बार बॉम्ब ब्लास्ट के केस में अंदर जाएगी तो जिंदगी भर प्रूफ नहीं कर पाएगी कि वो टेररिस्ट नहीं है। धोतरे, अब तू जिंदगी भर कुछ प्रूफ नहीं कर पाएगा। मोरे चार्जशीट बनवाया जी। सर सर सुनिए, देखा आपने कैसे एक भ्रष्ट आदमी ने अपनी जिंदगी बचाने के लिए मासूम औरतों की जिंदगी सूली पे चढ़ा दी। आखिरकार सच पुलिस के सामने था कि किस तरह से झूठे बॉम्ब ब्लास्ट के केस में फंसा के फरीदा खातून और उसके पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया गया था। फरीदा के आधार कार्ड की कॉपी का गलत इस्तेमाल हुआ था। एक पुलिस ऑफिसर मिलिंद धोत्रे, जिसने जनता की सेवा की शपथ ली थी, उसने न सिर्फ रेशमा को फंसाया बल्कि अपनी पत्नी को भी धोखा दिया। और इसकी सबसे बड़ी कीमत चुकाई फरीदा ने, जिसका दूर दूर तक इस मामले से कोई लेना देना नहीं था। उसकी बेटी यामना की मौत का राज अब तक नहीं सुलझा था और उसका परिवार अब तक आतंक में जी रहा था। पर फरीदा थी कहाँ, वो क्यों और कहाँ गायब थी? साहब, आप जो औरत को बॉर्डर से लाए हो वो फरीदा खातून नहीं है, वो कोई और है। लेकिन तुम्हें कैसे पता? उसकी शक्ल तो हमने कहीं दिखाई नहीं है। फरीदा खातून पिछले 2 दिन से हमारे पास थी, हम उनको पहचानते और पोस्टर भी देखे हमने। थी मतलब अब कहाँ है? मालूम नहीं साहब, शहर के बाहर हमारा चाय का ठेला है। कुछ दिन पहले एक आदमी आया था, उसने कहा यहीं पास में खाना बनाकर दे सकते हो। हमने कहा हाँ। उसने कहा कि दरवाज़ा बंद रहेगा, औरत को खाना देकर दरवाज़ा बंद करके जाना। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो हम 3 दिन तक उसको खाना देते रहे, लेकिन उस औरत की हालत बिगड़ती जा रही थी और हम समझ गए वो आदमी उसके साथ गलत कर रहा है। और हमको रियाज बोलती थी और एक बात बड़बड़ाती रहती थी कि हमने को मार दिया, हमने को मार दिया। उसकी हालत हमसे देखी नहीं जा रही थी, इसलिए हम 2 दिन पहले उस औरत के पास गए और ये लो 100 रुपया, इतना ही है मेरे पास, इसे ले लो और यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो एक दिन ऐसे ही मर जाओगी। चलो चलो यहाँ से चलो। अम्मी का बेटा है ना? हाँ, हाँ, तो तू तू हमसे मिलना आएगा? हाँ, चलो अब तुम आजाद हो। हाँ, चलो जाओ यहाँ से, नहीं 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 तो जल्लाद आ जाएगा। नहीं जाओ, नहीं 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 नहीं, हम नहीं, हमारे साथ चलो, चलो हमारे साथ, हम आएंगे, तुम जाओ हम आएंगे। तू मेरा बेटा अम्मी से मिलना आएगा? हाँ हाँ हम आएंगे, तुम जाओ यहाँ से, जाओ, सब साथ रहेंगे, सब हाँ, खुश रहेंगे। तुम्हें पता है वो कहाँ गई है? नहीं मालूम साहब, उसके बाद हम अपने काम पे लग गए, ऊपर से वो जल्लाद का डर। कौन जल्लाद? कौन था वो आदमी? मालूम नहीं साहब, लेकिन हमारे चाय के ठेले पे आता था, फरीदा को भगाने के बाद हमें हड़काने आया था। हमने कह दिया शायद गलती से हमसे दरवाजा खुला छूट गया। उस आदमी का हुलिया बता सकते हो, कैसा दिखता था? हाँ साहब, स्केच आर्टिस्ट बुलवा। पक्का यही आदमी था? हाँ साहब यही था, और माथे पे एक लाल टीका भी था। तेरा ये आदमी है ना? ये नाम क्या है इसका, कौन है ये? ये तो हम। अरे ये तेरे ही आ का टाइम नहीं है, नाम बोल। बलराज मिश्रा। बलराज मिश्रा है। कहाँ मिलेगा ये? फरीदा कहाँ है? कहाँ रखा है तूने उसे? वो तो भाग गई। कहाँ है, कहाँ गई, हमको कुछ नहीं पता। मतलब तू मान रहा है कि तूने उसे किडनैप किया था? कहाँ से किडनैप किया था तूने उसे, कहाँ रखा था? सर एक रात हम घर जा रहे थे तो हमने देखा कि आगे खोलो,
बता दो तुझे गद्दारी और देशद्रोही की क्या सजा होती है? सच के साथ झूठ मिला के बोल रहा है तू? अमना को क्यों मारा? क्यों मारा उसे? सर, हम कसम खा कर है कि हमने कुछ नहीं किया। वो तो हमारे पहुंचने से पहले मर चुकी थी। हम तो खाली उस देशद्रोही गद्दार को अपने साथ लेके थे, उसने बम ब्लास्ट और देश के साथ गद्दारी की थी, तो हम उसको सबक सिखाना चाह रहे थे। बस हम 10 दिन उसके साथ यही करते रहे, उसके बाद एक दिन भाग गई। शर्मा, इस पर फरीदा की किडनैपिंग और रेप का केस बनाओ और सूर्य कुमार को रिलीज कर दो। सर, एक इंफॉर्मेशन मिली है, मंसूर के घर में उसके साथ कोई और औरत रह रही है। कौन? सर, ये तो कह नहीं सकते, किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा है। कहीं वो फरीदा तो नहीं है? आप कैसी बात कर रहे हैं सर? फरीदा यहाँ वापस आती तो हम आपको इन्फॉर्म नहीं करते क्या? तो फिर ये मोहतरमा कौन है? सर, ये हमारी पहली बीवी जीनत है। जीनत, सर 15 साल पहले हम जीनत को तलाक दे दिए थे क्योंकि ये कंसीव नहीं कर सकती थी और हमें अपनी औलाद चाहिए थी, इसलिए हमने फरीदा से निकाह कर लिया। जी सर, फरीदा के गुमशुदा होते ही और आमना के कत्ल का पता चलते ही हम आ गए खैर खबर लेने। फरीदा घर से गायब हुई तो जीनत को बुला लिया, चल क्या रहा है या तेरा? कहीं तूने ही तो फरीदा को गायब नहीं किया? सर, कैसी बात कर रहे हैं सर आप? सर, फरीदा के गुमशुदा होने और आमना के कत्ल का पता चला तो एक खैर खबर लेने घर आ गई। घर का छोटा मोटा काम कर देती है, खाना बना देती है और बच्चों का ख्याल रखती है, बस। तू जा, जीनत की डिटेल ले लो। सर। जहां एक तरफ पुलिस फरीदा की तलाश में दिन रात एक कर रही थी, वहीं फरीदा इंसाफ की सारी उम्मीदें छोड़कर मंदिर के बाहर भीख मांग कर पेट भर रही थी। वहीं फरीदा, जिसका एक हंसता खेलता परिवार था, जिसके नाम का एक मक्कार आदमी ने अपने फायदे के लिए गलत इस्तेमाल किया, जिसने उस पे देशद्रोही का स्टैंप लगा दिया, और सिर्फ उस आदमी ने नहीं, पूरे शहर ने, पूरे देश ने मिलके उसका अपमान किया। उसकी मासूम बेटी को मार दिया गया, उसे कैद किया गया, अनगिनत बार उसका बलात्कार किया गया। इतना हुआ उसके साथ कि बेचारी अपने होशो हवास खो बैठी। आज वो बेचारी भिखारन बने घूम रही थी। क्या फरीदा की तकलीफें यहाँ खत्म होने वाली थी? फरीदा की तलाश के चलते जीनत पुलिस की नजर में आई थी, लेकिन पुलिस को पता चला कि जीनत सच कह रही थी। फरीदा 15 दिन में से एक बार जिस नंबर पे कॉल करती थी वो नंबर जीनत का ही था। बावजूद इसके पुलिस ने फैसला किया कि वो जीनत पर नजर रखेंगे, उसके कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन निकालेंगे। पुलिस को हैरानी थी कि मंसूर ने जीनत के उसके साथ आके रहने वाली बात पुलिस को क्यों नहीं बताई। तो क्या मंसूर ने फरीदा के मिलने की आस ही छोड़ दी थी? उस आस पर जिसपे पुलिस अब तक कायम थी, पुलिस को उसके बारे में खबर मिली, लेकिन उस हाल में नहीं जिस तरह से पुलिस उसे ढूंढ रही थी। सर, चाकू से पेट पे अनगिनत वार किए गए, जिसने भी फरीदा को मारा है उसने ये कंफर्म किया कि वो बचेगी नहीं। सर, इस तरफ। इसका मर्डर भी ठीक उसी तरह हुआ है जिस तरह से आमना का। मुट्ठी बंद है, जरा चेक करो क्या है मुट्ठी में। सर, लंबे बाल हैं, शायद किसी औरत के। ये दमयंती है, मंदिर के बाहर भीख मांगी अपना गुजारा करती है। सबका कहना यह है कि फरीदा सिर्फ इनके साथ ही बात करती थी।
फरीदा के बारे में आप कुछ बता सकती हैं? ये कुछ दिन पहले यहाँ आई थी, मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भीख मांगा करती थी। साहब यहाँ के लोकल गुंडे हैं ना, उसको उतना ही पैसा रहने देते थे कि वो पेट भर के खा सके। कभी कुछ नहीं बोलती थी साहब, बस खामोश रहा करती थी। कभी कभी बड़बड़ाती रहती थी कि आमला को मार डाला, आमला को मार डाला। वो रियाज को याद करती रहती थी। हमने पूछा भी, दो दिन पहले अचानक उसने कहा कि मुझे फोन करना है। फोन करना है हमें। फोन करना है किसको? कोई है भी क्या तुम्हारा? कुछ आप बता सकती हैं कौन था वो आदमी जिसके फोन से फरीदा ने कॉल किया था? नहीं, मैं तो नहीं जानती हूँ। साहब फरीदा ने किसके फोन से कॉल किया था मुझे क्या पता, हजारों श्रद्धालु आते जाते रहते हैं यहाँ पे। शर्मा मंसूर से बॉडी आइडेंटिफाई करा के पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर सर आप फरीदा के कातिल का कुछ पता चला? सर उसी सिलसिले में यहाँ आए हैं, तुमसे ही बात करनी है। 22 तारीख की रात 12:30 बजे तुम्हारे फोन की लोकेशन वही थी, राम मंदिर के पास जहां फरीदा का मर्डर हुआ। सबूत नंबर 2, फरीदा जिस दिन घर छोड़कर निकली थी उसने आखिरी कॉल तुम्हें किया था। और सबूत नंबर 3, ये DNA रिपोर्ट, उसमें आमना के नाखूनों में फंसी हुई स्किन और फरीदा के हाथों में जो बाल थे वो एक ही औरत के थे, तुम्हारे। बोलो बताओ पूरी कहानी। फरीदा बहुत अच्छी इंसान थी, मंसूर के छोड़ने के बाद हमारा साथ दिया करती थी। ये लो पैसे से हमारी मदद किया करती थी। हमारे पास कमाने का तो कोई रास्ता था ही नहीं। फिर जब वो टेररिस्ट दहशत कर बताई गई तो जेल गई, खुदकुशी करने की कोशिश की, अस्पताल गई। हम तो सपने सजाने लगे थे कि फहीदा अगर मंसूर की ज़िंदगी से निकल जाएगी तो वो हमें अपनी ज़िंदगी में वापस बुला लेंगे। फिर पता चला कि फरीदा खुदकुशी करने में नाकाम हो गई है। एक रात उसका फोन आया कि आज ही उससे मिलना होगा, आखिरी बार वो पैसों से हमारी मदद करेगी, क्योंकि घर वालों की बेहतरी के लिए वो हमेशा के लिए शहर छोड़ के जा रही है। शहर के बाहर हम रात को जिस जगह मिलने वाले थे, फरीदा के साथ आमना भी आ गई, तो हमें लगा उसने फरीदा को घर से निकलते देख लिया होगा, तो जिद करने लगी होगी, इसलिए वो उसे अपने साथ लेकर आ गई। तभी हमने फैसला किया कि हम इन दोनों को ही मार देंगे। और तभी वहां वो बलराज आ गया, वो खींचकर फरीदा को ले गया। हम छुपकर सब देख रहे थे, हमें लगा कि वो खुद ही उसे जान से मार देगा। हम घर जाकर मंसूर के पास जाने की तैयारियां करने लगे। हमें लगा कि फरीदा तो अब तक मर चुकी होगी। फिर एक दिन उसका राम मंदिर से मंसूर के फोन पे फोन आया। मंसूर उस वक्त बाथरूम में थे, फोन हमने उठाया। बिना सोचे समझे बोले जा रही थी कि जीनत ने आमना को जान से मार दिया है और अब वो हमें भी मारना चाहती है। हम यहाँ राम मंदिर पे हैं, आके हमें ले जाओ। हमने बिना कुछ बोले फोन काट दिया और रात को राम मंदिर चले गए। अल्लाह और कानून दोनों तुम्हें सजा देंगे। फरीदा एक नेक इंसान थी जो अपने पति की तलाकशुदा बीवी के लिए फिक्रमंद थी, उसकी मदद कर रही थी। पर जीनत ने फरीदा की नेक नियत का बदला फरीदा और आमना की कत्ल करके चुकाया। एक मासूम औरत जो अपनी घर गृहस्थी संभालने में लगी थी, बच्चों को पालने में लगी थी, उसका इतना अपमान हुआ, उसका बलात्कार हुआ, उसके साथ इतना अत्याचार हुआ, यहाँ तक कि उसकी हत्या भी कर दी गई। देशभक्ति दुनिया के हर इंसान के रगों में दौड़ती है, चाहे वो किसी भी देश का इंसान क्यों ना हो।
पर इसका मतलब ये नहीं है कि गला फाड़ के चिल्लाना, दूसरों को गालियां देना ठीक है। आपको गाली देने का लाइसेंस कोई नहीं देता। आप सच्चे देशभक्त तब हो जब आप एक अच्छे इंसान हो। जब इंसानियत से भटकने लगो तो जरूरी है कि सिर्फ दूसरों को नहीं, पहले खुद को संभालो। इसी के साथ मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया अब लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी एक नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम। एक औरत पर वार, अब हर औरत का भार। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।